दोस्तों भारत को संतों की भूमि कहा जाता है और भारतवर्ष में कई ऐसे हजारों लाखों साधु संत हुए हैं जिन्होंने अपने तप ध्यान और योग के बल पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहराया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं द डायमंड टॉक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज संडे है और संडे स्पेशल टॉप 5 में हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा हमने शुरुआत में ही बताया कि भारतवर्ष को संतों की भूमि कहा जाता है और यहाँ पर हजारों लाखों साधु संत हुए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में भारत के 5 सबसे बड़े स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरुओं की बात कर रहे हैं। तो 5 सबसे बड़े गुरुओं में नंबर 1 पर आते हैं सदगुरु जी। सदगुरु के नाम से तो हम सब परिचित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु और अध्यात्म के अनुयायी हैं। इनका वास्तविक नाम जगदीश वासुदेव है। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को दक्षिण भारत के मैसूर शहर में हुआ था। माता सुशीला वासुदेव गृहिणी और पिता वीपी वासुदेव जो मैसूर अस्पताल में डॉक्टर थे। 13 वर्ष की कम उम्र में ही सदगुरु ने योग की कक्षाएं शुरू कर दी थी और बचपन में ही अध्यात्म से जुड़ गए थे। इनकी पढ़ाई डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल मैसूर से हुई थी और कॉलेज की पढ़ाई भी मैसूर यूनिवर्सिटी से हुई थी। उनका बिजनेस भी किया। बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को किराए पर अपने एक मित्र को दिया और खुद एक वर्ष की यात्रा पर चले गए। 1983 में उन्होंने योग कक्षाएं शुरू की। सदगुरु ने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की, इनका जिसका हेडक्वार्टर कोयम्बटूर के पास है। यह एक संगठन के रूप में काम करता है। ईसा फाउंडेशन ने सदगुरु की अध्यात्म और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक मंच का काम किया है। सदगुरु आज पूरी दुनिया के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं और वक्ता का काम करते हैं। भारत और पूरी दुनिया भर में अनेक सम्मान इनको मिल चुके हैं। सदगुरु के यूट्यूब चैनल पर 11.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों भारत के 5 सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरुओं में नंबर 2 पर आते हैं ओशो। ओशो मध्य प्रदेश में पैदा हुई ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने अपने दर्शन से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। उनके दर्शन ने अलग अवधारणा के साथ विश्व शांति और प्रेम का संदेश दिया। सोशल मीडिया पर ओशो के कई कोटेशन आपने देखे ही होंगे। यह सब उनके छोटे छोटे सूत्र थे जिससे वह लोगों को समझाया करते थे। उस जमाने में भारत के लोग भी उन्हें समझ नहीं पाए थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव के एक व्यापारी जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम चंद्रमोहन जैन था। शुरुआती शिक्षा गाडरवाड़ा में हुई, इसके बाद ये जबलपुर पहुंच गए। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के दौरान ओशो ने अपने शिक्षक को चुनौती दी थी और उन्हें अपने तर्कों से हरा दिया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई सागर जिले से की थी। वह छात्र जीवन में ही सन्यासी वेशभूषा में आ गए थे और अपने पूरे छात्र जीवन में अपमान और विरोध को सहते हुए उसी वेशभूषा में पूरी शिक्षा ग्रहण करी थी। ओशो की बात करें तो उन्होंने जीवन जीने की नई पहेली दी। उनका कहना था कि सन्यास के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार में रहकर ही हम सन्यास को प्राप्त हो सकते हैं। माना जाता है कि ओशो ने रॉबर्टसन कॉलेज में अपनी सारी डिग्रियों को जला दिया था। उनके विद्रोही विचारों का भी बहुत ज्यादा सम्मान होता था। उस समय अमेरिका के ऑर्गन नाम की जगह पर 36,000 एकड़ में ओशो ने रजनीपुरम नाम का शहर भी बसाया था, जहां पर एयरपोर्ट भी था। भारत के 5 सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरुओं में नंबर 3 पर आते हैं ज्ञान वत्सल स्वामी। स्वामी जी का जन्म 12 नवंबर 1958 के दिन गुजरात के आणंद जिले बल्लभ विद्यानगर में हुआ था। स्वामी जी का असली नाम रक्षित रावल है। उन्होंने बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपनी युवा अवस्था से ही माता पिता के साथ स्वामी नारायण मंदिर में जाते थे। मंदिर में स्वामी की भेंट प्रमुख स्वामी महाराज से हुई। प्रमुख स्वामी से प्रभावित होकर उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। कुछ समय के बाद उन्होंने प्रमुख स्वामी जी से दीक्षा ली और संत के जीवन में शुरुआत कर दी और अपना घर परिवार भी छोड़ दिया। गुरु से शिक्षा लेने के बाद उन्होंने साधु जीवन व्यतीत किया। समाज और जरूरतमंद लोगों की सेवा में लग गए। स्वामी अब तक अपने भाषणों से लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने तकरीबन 500 से भी ज़्यादा आत्मकथाएं पढ़ी हैं और दूसरों को भी वो प्रेरित करते हैं कि किताबें पढ़ना चाहिए। स्वामी जी हमारे भारत देश के सर्वश्रेष्ठ प्रेरक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। स्वामी जी ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप और इंग्लैंड जैसे कई शिक्षित देशों में अपने सेमिनार किए और लोगों को सही राह दिखाई। वह एक भी पैसा नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि मुझे कपड़े पहनने और खाना खाने के लिए संस्था व्यवस्था देती है तो मैं एक भी रुपया लूंगा नहीं। स्वामी जी के यूट्यूब चैनल की बात करें तो अक्षर मंत्र नाम का इनका यूट्यूब चैनल है जिस पर 5,85,000 सब्सक्राइबर हैं।
तो दोस्तों, भारत के पांच सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में नंबर चार पर आते हैं गौर गोपाल दास। ये एक साधु, सन्यासी, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ स्टाइल कोच है। आज के समय में ऐसे बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति और समाज कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं। गौर गोपाल दास जी अपनी पुस्तकों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को कृष्ण भक्ति, श्रीमद् भगवत गीता और जीवन के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर 4.96 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने प्रसिद्ध स्पीकर हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा सेंट जूड हाई स्कूल डेहरो पुणे से हुई थी। इन्होंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है, नौकरी भी की। 1996 में गोपाल दास इस्कॉन के साधु गुरु राधानाथ स्वामी के संपर्क में आए, जिसके बाद गोपाल दास जी ने HP में अपनी नौकरी छोड़ इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें कृष्ण भक्ति, अध्यात्म, भगवद गीता और जीवन के अद्भुत रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस्कॉन में रहते हुए गोपाल दास जी ने कलिंग औद्योगिकी प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र से एक मानद डॉक्टरेटर की डिग्री भी प्राप्त की। आज लाखों करोड़ों लोग इनसे प्रेरित होते हैं और कई लोगों का जीवन बदल रहे हैं अपनी बातों से, अपने ज्ञान से और अपने अध्यात्म से। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा शो में भी गौर गोपाल दास जी आए थे और अपने ज्ञान का प्रसार सभी लोगों में किया। दोस्तों, भारत के पांच सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में नंबर पांच पर आती हैं बहन शिवानी वर्मा। शिवानी वर्मा का जन्म 13 मई 1972 को पुणे शहर के महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें विज्ञान में रुचि थी और वह एक अच्छी छात्रा भी थी। स्कूली जीवन के बाद उन्होंने पुणे महाविद्यालय से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। समय के दौरान उनकी माँ ब्रह्म कुमारी के केंद्र के संपर्क में थी। कॉलेज के बाद उन्होंने विशाल वर्मा से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय भी शुरू किया। उसके बाद वह पूर्ण रूप से ब्रह्म कुमारी संस्था राजयोग केंद्र से जुड़ गई। भगवान का संदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन शादी नहीं तोड़ी। शिवानी वर्मा ने बी के केंद्र में 7 दिन का कोर्स करने का फैसला किया और फिर सप्ताह में 1 या 2 बार वहां जाना शुरू किया। शिवानी बहन ने तब राजयोग मेडिटेशन अभ्यास सीखा, जिस दौरान उन्हें ईश्वर से जुड़ाव महसूस हुआ। शिवानी बहन का यूट्यूब चैनल भी है बीके शिवानी नाम से, जिसमें 5.59 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के पांच सबसे बड़े आध्यात्मिक लीडर। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रतिदिन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।